लवली मॉर्निंग। बहुत सारी दुआओं के साथ हैप्पी मॉर्निंग, बहुत सारी खुशियों की सौगात के साथ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वीट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सुनते हैं एक खास दोस्त के बारे में। आज तक हम सब ने एक दूजे को एक दूजे के दोस्ती से नवाजा होगा, लेकिन एक खास दोस्त है जो बहुत खास है। सुनते हैं आज उस दोस्त के बारे में। आपकी जिंदगी का जो लेखक है वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। सोचिए कौन है वो लेखक। वो है जो पूरी सृष्टि का नियंता अभियंता है। आप नहीं जानते अपने जन्मों व पूर्व जन्मों की कहानी को, लेकिन जनाब वो जानता है एक एक की एक एक कहानी को। तो कभी ऊंच नीच आए ना जीवन में, तो समझ लेना कोई नई शिफ्ट या परिवर्तन लाने वाला है वो। स्वीकार लेना, मानती हूँ स्वीकारना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किलातों में, परेशानियों के लम्हों में, लेकिन स्वीकारने की भी वो मोहलत देता है, हिम्मत देता है, शक्तियाँ देता है। और एक बात बताऊँ, मुझे मुझसे भी बेहतर अगर कोई जानता है ना, वो है कोई एक, बस एक, और वो अरबों खरबों की जनसंख्या में भी एक है, नायाब। एक्चुअली हम स्वयं भी स्वयं को उस रीति से नहीं जानते जो वो एक जानता है। वो है रब, खुदा, भगवान, ईश्वर। लेकिन कभी अनजाने में उसे भी हम बल्हा, बुरा, भला बुरा बोलने लगते हैं। वो उसके लिए भी हमें अनजान समझ हमेशा माफ़ कर देता है। तो कभी समझना हो ना, तो उसे समझना जो हमें समझता है, जो हिडन है। उसका हर प्लान हिडन है, उसकी सेफ्टी, उसका लव टूवर्ड्स अस, उसकी पावर्स, सब हिडन है। कैसे समझता है वो हमें, कैसे हमारे झूठ, सच, नफरत, प्यार जो उसकी तरफ हम कभी बरसाते हैं ना, जाने में या अनजाने में ही सही, फिर भी वो हमें कभी प्यार करना नहीं छोड़ता। तो कभी जहन में किसी के जैसा बनने का ख्याल भी आए ना, तो ऊपर बैठे उस खुदा की तरफ, उस रब की तरफ निहार लेना और उसको कॉपी करने की कोशिश करना, क्योंकि वो ही है सच्चा सच्चा हमसफर, सच्चा सच्चा साथी, सच्चा सच्चा दोस्त, जो हमें हमारी बुराइयों के साथ भी हमें स्वीकार कर ले। Someone who sees the bad in us and still chooses us। हमें जैसे हैं वैसे ही हमें स्वीकार कर ले। जो इस साकार सृष्टि पर आने से पहले हमें इस आकार सृष्टि पर आने से पहले भी वो मेरा ही था, और इस आकार देह साकार सृष्टि पर जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। सोचो इससे बेहतर कोई दोस्त, खुदा दोस्त कोई मिल सकता है? मिले तो मुझसे जरूर मिलवाना। यू नो समटाइम्स things don't trust out as per the plan,
इट्स ए मास्टर स्ट्रोक ऑफ लक। तो चलते चलते अपने बुरे वक्त का जरूर शुक्रिया अदा करना उस रब के साथ साथ, क्योंकि वही वक्त आपको आपके आने वाले वक्त के लिए मजबूत बनाता है। समझ लीजिए कुछ खास टिप है आज के लिए। समझ लीजिए आज का दिन या कुछ खास लम्हे मोहलत पर हैं, लीज पर हैं आपके जीवन में, तो इसकी किसी भी बात को ना मन में घर मत कीजिए, माना रजिस्टर्ड मत कीजिए, माना अपनी उस बात की रजिस्ट्री करने के चक्कर में मत पड़े, सिर्फ लीज पर ही रहने दें। गो विथ फ्लो ओनली, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सदा हंसते रहें, हैप्पी हैप्पी रहें एक गुलाब की तरह। गुड डे, हैप्पी डे, लवली डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। रब को कॉपी करना नहीं भूलना, ख्याल रखना अपना और अपनों का भी।